गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे पॉलीफेगस पेस्ट। पॉलीफेगस पेस्ट में कल हमने पढ़ा था लोकस्ट, टिड्डी जो है, उसके बाद सेकंड जो मेजर पेस्ट है पॉलीफेगस में वो है टर्माइट। टर्माइट हिंदी में बोलते हैं जिसको दीमक। पता है सबको दीमक के बारे में? अभी अपन डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। दीमक क्या है? पहली बात तो दीमक एक सोशल इंसेक्ट है। क्या है? सोशल इंसेक्ट है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको सामाजिक पेस्ट, सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट का मतलब क्या है? यहाँ पे सामाजिक कीट का मतलब है कि ऐसे कीट जो क्या है, समाज में रहते हैं। जैसे जो ह्यूमन बीन है, मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, उसका अपना एक समाज है, सारे रिलेटिव वगैरह जो भी है, दादा है, पापा है, ऐसे ही अलग अलग जो कास्ट बनी होती है, वैसे इनके अंदर क्या अलग अलग कास्ट होती है, इनको क्या बोलते हैं? सामाजिक कीट। यानी कि अलग अलग ग्रुप बटे होते हैं और फिक्स, जैसे हमारी फैमिली में होता है कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, वैसे ही इनके अंदर जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है, फिक्स काम होता है, हर कास्ट का अपना अलग अलग काम होता है और अलग अलग रोल होता है उनकी फैमिली में, उनके समाज में। तो इनका डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है? टर्माइट्स आर सोशल इंसेक्ट्स लिविंग इन कॉलोनीज। यानी कि दीमक क्या है? सामाजिक कीट है जो कि कॉलोनियों में रहते हैं। इसके बाद फिर सेकंड है, ईच कॉलोनी कंटेन स्पेशलाइज कास्ट। हर जो कॉलोनी है उसके अंदर क्या है, एक स्पेशल कास्ट होती है। और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं इसके अंदर। फिर सच है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव्स, यानी कि वो जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, या बात करें जो कि जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक तो ये कास्ट होगी। फिर कुछ वर्कर्स होंगे जो कि जिनका अहम रोल रहता है सोसाइटी के अंदर। फिर सोल्जर्स, यानी कि वो जो सुरक्षा करते हैं, अपनी फैमिली की सुरक्षा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सोल्जर्स। इन सब का क्या है, डिफरेंट जॉब्स होती है, सबका इनके परिवार में अलग अलग रोल रहता है। अब बात करें इनकी होस्ट प्लांट्स की, तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, एक पॉलीफेगस पेस्ट है। पॉलीफेगस पेस्ट का मतलब ही बहुभक्षी होता है, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर अपने बात करें फिक्स, तो इसका कोई होस्ट फिक्स नहीं है, बहुत सारे। और इवन दीमक का तो मैं आपको बता दूँ, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों ही प्रकार की जो वेजिटेशंस हैं उनके ऊपर, जो थिंग्स हैं उनके ऊपर ये लगती है। दीमक आपने देखा होगा घरों में दीवार पे भी लगी रहती है, जो लकड़ी के जितने भी बेंच वगैरह आपकी कुर्सियां चेयर हैं उनके भी लगा रहता है। प्लस जो लिविंग है प्लांट उनके अंदर, फील्ड क्रॉप जो होती है उनके अंदर भी दीमक का अटैक होता है। मेन चीज़ जो है वो क्या है, वो चीज़, हर वो चीज़ जिसके अंदर सेलुलोज होता है उन सब पे दीमक का अटैक हो सकता है। फिर है नेचर ऑफ डैमेज। इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, ये डैमेज कैसे करता है? तो मेक माउंट्स इन सोइल, यानी कि ये सोइल के अंदर क्या करता है, माउंट्स बनाता है। यानी कि मिट्टी का आपने देखा होगा, दीवार पे भी देखा होगा, दीवार पे जहां दीमक लगी रहती है वहां पे एक जगह मिट्टी इकट्ठी हुई होगी, आप उसको तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर से क्या है, दीमक के जो है, यानी कि वर्कर्स जो है वो आपको चलते हुए दिख जाएंगे। तो ये क्या है, माउंट बनाते हैं जो मिट्टी का बना होता है, फर्स्ट तो ये। सेकंड, स्टार्ट डैमेज एट स्टार्टिंग लेवल, यानी कि इनका जो अटैक है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग का मतलब जब प्लांट ग्रो होता है, अपने प्लांट की सोइंग करने के बाद जब प्लांट फर्स्ट जब ग्रो होता है, यानी कि इनिशियल स्टेज में होता है, स्टार्टिंग जब होती है उसकी, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तभी से दीमक का अटैक स्टार्ट हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग लेवल से ही उसके वो डैमेज कर सकता है। फिर मोर लॉस इन ड्राई फील्ड्स, यानी ऐसे फील्ड्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की मात्रा कम है, या पानी वाला क्षेत्र नहीं है, या बात करें ऐसे फील्ड जिनमें पानी बहुत कम दिया जाता है फसलों को, उनमें दीमक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर बार बार इरीगेशन की जाए, बार बार अगर इरीगेशन करते हैं तो ये क्या है, प्रॉपर सेटल नहीं हो पाते। प्लस क्या है, इनके माउंट्स नहीं बन पाते, इस वजह से क्या है, इनका अटैक उस जगह इतना नहीं होता, अगर कंपेयर करें जो ड्राई फील्ड होते हैं उनके बजाय। फिर मोर डैमेज एट नाइट, रात के टाइम, रात के समय में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, नॉक्टर्नल हैबिट होती है इनकी। और मेन जो चीज़ है वो क्या है, जहाँ से दीमक का मेजर अटैक होता है अपने फील्ड के अंदर, जो फार्मर ध्यान नहीं देता है, वो क्या होता है, FYM,
जो गोबर की खाद जो होती है जो खेत में डाली जाती है, अगर वो कच्ची होती है, कहने का मतलब अगर पूरी तरह से तैयार गोबर की खाद नहीं है तो उसके अंदर दीमक लगने के 90% चांस रहते हैं, जो कि मेजर सोर्स भी है इसका। अगर कच्ची गोबर की खाद को आप फील्ड में डाल दोगे तो उससे क्या है, दीमक के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कास्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कास्ट में बटे होते हैं, कास्ट भी मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट क्या थी, रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो संतति को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड वर्कर्स, थर्ड जो है सोल्जर्स, इनका क्या क्या रोल रहता है इनकी फैमिली के अंदर, इनकी सोसाइटी के अंदर, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसकी कास्ट है। एक कंप्लीट अगर बात करें दीमक की फैमिली की, तो इसमें क्या है, फर्स्ट तो विंग्ड रिप्रोडक्टिव लिखा हुआ है, यानी कि जिनके पंख होते हैं, पंखधारी ऐसे दीमक जो आगे बढ़ाते हैं संतति को, या बात करें जो एग लेइंग का काम करते हैं। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, इसकी क्वीन, ये किंग, ये सोल्जर और ये वर्कर्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट अगर बात करें क्वीन की, सबसे जो बड़ी लेंथ जो होती है वो क्वीन की होती है। नॉर्मली अगर बात करें एक कोई भी एडल्ट दीमक है, प्रौढ़ दीमक है, तो उसका साइज होता है 6 to 8 mm, 6 to 8 mm। एंड अगर बात करें फीमेल की, फीमेल जिसको क्या बोलते हैं, क्वीन, जो क्वीन टर्माइट होती है उसका साइज होता है 6 to 7 centimeter, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक नॉर्मल मेल एडल्ट में और एक क्वीन में। इसका साइज 6 to 8 mm होता है सिर्फ, और इसका 6 to 7 centimeter तक हो सकता है। और दीमक के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये एक सेकंड में पर सेकंड 1 egg तक दे देती है, हर सेकंड में एक अंडा दे सकती है, इतनी इसकी रिप्रोडक्टिव रेट होती है। फिर अगर बात करें सोल्जर की, तो सोल्जर का डिफरेंस क्या होता है, इसकी जो टेक्सोनोमी की अगर बात करें या इसको फिजिकली आप देखोगे जब, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, आगे की तरफ क्या है, इसको जो प्रोटेक्ट करते हैं जो मैंडिबल्स जो होते हैं इसके, वो बहुत मजबूत होते हैं, आगे की तरफ निकले रहते हैं। उनका मेन काम होता है इनकी सोसाइटी को, या इन्होंने जो भी फंगल गार्डन बना रखा है वर्कर्स के द्वारा, उसको सिक्योर करना, या कोई बाहरी कीट इनकी जो बना रखी है इन्होंने माउंड, उसके अंदर अटैक ना कर सके, इसके लिए ये जिम्मेदार रहते हैं। फिर है वर्कर्स, जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है एक फैमिली में वो वर्कर्स की होती है। अब एक एक की डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव कास्ट, यानी ऐसी कास्ट जो फैमिली को आगे बढ़ाने का काम करती है। इनके रिप्रोडक्टिव किंग एंड क्वीन कैन बी विंग प्राइमरली एंड विंगलेस सेकेंडरी। इसका मतलब क्या है, प्राइमरली मतलब क्या है, प्राथमिक में, स्टार्टिंग में तो क्या होंगे, ये स्टार्टिंग में तो विंग्ड होंगे, यानी जब निम्फ से एडल्ट बनते हैं तब इनके अंदर विंग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, ये विंग जड़ जाते हैं, विंग जड़ जाते हैं, उसके बाद ये विंगलेस हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरी विंग्ड होते हैं और बाद में विंगलेस होते हैं। फिर अगर लाइफ स्पैन की बात करें, तो इनका अगर बात करें क्वीन की, तो एक क्वीन 30 साल तक, यानी कि 30 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, या बात करें टेम्परेचर बहुत लो है, या विंटर सीजन है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये डाइपोज में चले जाते हैं। बाद में जब भी अनुकूल टेम्परेचर होता है तो ये वापस अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये एक किंग है दीमक का, और ये जो दिख रहा आपको ये क्वीन है। साइज से ही पहचाना जा सकता है क्वीन को आसानी से। फिर नेक्स्ट है वर्कर्स। वर्कर्स जिनका सबसे ज़्यादा और अहम रोल रहता है फैमिली के अंदर। वर्कर्स क्या होते हैं, स्टराइल। फर्स्ट तो क्या है, स्टेराइल होते हैं, यानी कि ये जनन को आगे नहीं बढ़ा सकते, या बात करें ये एग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनमें ये क्वालिटी नहीं होती कि ये अपनी संतति को आगे बढ़ा सकें। सेकंड विंगलेस होते हैं, इनके विंग्स नहीं होते, ब्लाइंड मेल्स होते हैं। वर्कर्स क्या होते हैं, सारे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्या है, ब्लाइंड होते हैं, यानी कि इनको दिखाई नहीं देता है। बस इनका काम होता है नई
जो है घर बनाना नया, उसमें सभी को सेटल करना, जितना भी फिजिकल जो वर्क होता है वो सारा इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फिर दे आर सॉफ्ट बॉडीड, ये तो इनके क्वालिटीज़ हैं, ये क्या है करेक्टर्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, क्रीमी वाइट, विंगलेस, लार्जेस्ट नंबर होते हैं पॉपुलेशन विद इन कॉलोनी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक कॉलोनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो किसके होते हैं, वर्कर्स के होते हैं। वर्कर्स एंड इमेच्योर्स, यानी कि एक तो जो एडल्ट वर्कर्स हैं, एडल्ट वर्कर्स जो हैं, या जो इमेच्योर स्टेज होती है इनकी, यानी कि जो निम्फ जो स्टेज होती है वो ही क्या करते हैं इनको, जो नई ये जो कास्ट है यही क्या करती है, डैमेज करती है सबसे ज़्यादा। जो वुड है, आप मान लो कहीं भी कोई फर्नीचर वगैरह है लकड़ी का, वो हो गया, या घरों में, या इवन बात करें फील्ड कंडीशन में भी जो लॉस होता है वो किनके द्वारा होता है, जो वर्कर्स होता है इनके द्वारा ही होता है। फिर वर्कर्स बिल्ड मड, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, मड ट्यूब्स यानी कि मिट्टी के क्या घर बनाते हैं जिनके अंदर ये रहते हैं, टनल्स बनाते हैं, ये सारा काम इन्हीं का होता है, वर्कर्स का ही। एंड ऑब्टेन फूड टू फीड देमसेल्फ, अब जो मेन आपने मधुमक्खी में भी पढ़ा होगा यही सिस्टम होता है, वर्कर्स जो होते हैं उनका काम होता है कि वो फूड का अरेंजमेंट करें। ऐसा ही इसमें जो वर्कर्स होते हैं ये फूड का कलेक्शन करते हैं, इससे क्या करते हैं वो सेल्फ खुद भी भोजन, खुद का भोजन भी निर्माण करते हैं, प्लस जो कॉलोनी की बाकी कास्ट है, जैसे अगर बात करें क्वीन है, प्लस जो सोल्जर्स हैं, इन सब के क्या है जो भोजन निर्माण का काम होता है वो भी वर्कर्स का ही होता है, उनको भोजन भी कराने का काम इनका रहता है। एंड कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन नेस्ट, इनके जो घर होते हैं उनको बनाने का और उनको मेंटेन रखने का टाइम टाइम पे वो काम वर्कर्स का ही होता है। एंड केयर फॉर एग्स एंड यंग्स, और प्लस जो एग लेइंग करती है, जो क्वीन एग लेइंग, जो एग्स दिए जाते हैं क्वीन के द्वारा, उनकी केयर करना, प्लस जो न्यूली हैच्ड यंग होते हैं या न्यूली हैच्ड जो निम्फ होते हैं उनका भी जो मैनेजमेंट, या बात करें उनकी जो केयर करनी होती है वो यही करते हैं। इसका लाइफ साइकिल जो होता है 1 से 5 साल तक का होता है वर्कर्स का। प्लस क्या है, फंगल गार्डन। फंगल गार्डन किसको बोलते हैं कि मिट्टी के अंदर जहाँ दीमक पाई जाती है, मिट्टी के अंदर थोड़ी गहराई पे, वहाँ पे ये क्या करते हैं अपने जो घर का निर्माण करते हैं, जो मड अभी मैंने बताया था आपको, वो घर का निर्माण जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहाँ इनकी कॉलोनी एक साथ रहती है उसको बोलते हैं फंगल गार्डन। तो इस फंगल गार्डन का निर्माण करना भी काम किसका होता है, वर्कर्स का ही होता है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है, वर्कर्स, एक जो टर्माइट है उसके वर्कर्स जो होते हैं। और मेनली आप देखोगे किसी भी, आपको जहाँ भी दीमक लगी हुई दिखाई दे आसानी से दिख जाती है, कहीं दीवार पे दिखे या फिर जो लकड़ी के का कोई भी, जहाँ सेलुलोज हो जिसके अंदर दीमक लगी हुई दिखे आपको, उसको अगर आप तोड़ के देखोगे, उसके घर को तोड़ के देखोगे, तो सबसे ज़्यादा और आसानी से आपको यही दिखेंगे, बिल्कुल क्या है लाइट कलर के होते हैं और ट्रांसपेरेंट से नज़र आते हैं, ये सारे वर्कर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या है, वर्कर की तरह ये क्या है, स्टेराइल होते हैं, ये भी स्टेराइल होते हैं, इनमें भी क्या है जो एग लेइंग की कैपेसिटी नहीं होती है, प्लस विंगलेस होते हैं, ब्लाइंड मेल्स एंड फीमेल्स दोनों हो सकते हैं। फिर दे डिफेंड देयर कॉलोनी फ्रॉम इंट्रूडर्स, यानी कि जो घुसपैठिए जो होते हैं, या बात करें जो बिना आज्ञा के, या बात करें इनकी जो कॉलोनी के नहीं है, जो अदर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट है, चाहे वो इनका हो सकता है कोई प्रीडेटर हो, या बात करें एंट्स जो है, चींटियाँ भी हो सकती है, कुछ भी हो जो इनके घरों पे अटैक करेगा, उसका जो बचाव का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, सोल्जर्स, इसीलिए इनको सोल्जर्स बोला जाता है। दे कांट फीड देमसेल्व्स, यानी कि ये खुद का भोजन नहीं बना सकते, इनका जो भोजन को, इनको भोजन खिलाने का जो काम करता है वो कौन करता है, वर्कर्स करते हैं, फीड बाई वर्कर्स। यूजली द नंबर ऑफ सोल्जर इज मच स्मॉलर देन दी नंबर ऑफ वर्कर्स, ये मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा कॉलोनी में नंबर किसके होते हैं, वर्कर्स के, उसके बाद सेकंड नंबर पे होते हैं सोल्जर्स के, लेकिन ये वर्कर की बजाय अगर देखें तो बहुत कम होती है इनकी संख्या एक फैमिली के अंदर। देयर लाइफ स्पैन 1 टू
टू ईयर्स, एक से दो साल तक का लाइफ साइकिल होता है इनका। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वर्कर्स के हैं। ये आपको दिख रहा है बाहर, इसको जो कांटे से दिख रहे होंगे सबको, ये क्या है, ये ही वो स्ट्रक्चर है जिससे ये प्रोटेक्ट करता है अपनी फैमिली को, जिससे क्या है कि बाहरी जो कीट है कोई वो अटैक ना कर सके। फिर नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, इसकी लाइफ में कौन कौन सी स्टेज होती है, तो सबसे पहले तो ये क्या है, हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट होता है, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, अपरिपक्व रूपांतरण होता है इसके अंदर। लाइफ साइकिल में क्या है, सिर्फ तीन स्टेज होती है, थ्री स्टेज होती है, कौन कौन सी, एग, फिर निम्फ और फिर एडल्ट। लेकिन एडल्ट के अंदर क्या है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, वर्कर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, प्लस जो ये खुद जो रिप्रोडक्टिव्स होते हैं वो। अब ये बात करें तो इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है एग से। सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल एग लेइंग करती है, एग्स के बाद क्या होता है, निम्फ बनते हैं। अब ये निम्फ क्या है, इनसे तीन तरह के निम्फ बनते हैं, या तो वो वर्कर हो सकता है, या वो सोल्जर हो सकता है, या फिर वो क्या है, जो रिप्रोडक्टिव्स होते हैं वो निम्फ हो सकते हैं। यानी कि ये जो निम्फ होते हैं यही आगे जाके कॉलोनी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद इनकी लाइफ साइकिल यहीं ख़त्म हो जाती है, जो वर्कर और सोल्जर होते हैं इसके बाद। और इन ये जो निम्फ होते हैं ये बाद में जो इनका मोल्टिंग होती है उसके बाद क्या होता है, इनमें विंग्स आ जाते हैं। विंग्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, विंग्ड जो है रिप्रोडक्टिव है। इनके बाद फिर क्या होता है, एक नेपच्युअल फ्लाइट नाम से एक चीज़ होती है, अभी बता देता हूँ आपको। नेपच्युअल फ्लाइट क्या होती है, बरसात के मौसम में जब रेनी सीजन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो विंग्ड मेल और फीमेल है, जो विंग्ड मेल और फीमेल है ये क्या करते हैं, एक फ्लाइट भरते हैं, यानी कि एक उड़ान लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उस उड़ान के दौरान ही इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि इसके बाद क्या होता है, इस दौरान इनके जो विंग्स होते हैं वो विंग झड़ जाते हैं। विंग झड़ने के बाद ये क्या करते हैं, सोइल में आ जाते हैं। ये जहाँ भी ज़मीन पे गिरेंगे वहीं पे क्या करेंगे, गड्ढा बना के अंदर ज़मीन में कुछ गहराई तक चले जाएंगे और वहाँ जाके एग लेइंग का काम करेंगे। ये जो विंग झड़ने के बाद जो रिप्रोडक्टिव्स बचते हैं इनको क्या बोलते हैं, एलेट रिप्रोडक्टिव्स। ये एलेट जो होते हैं इनसे बाद में, ये दिखाई दे रहा आपको, ये मेल है ये फीमेल है दोनों, ये काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं सोइल के अंदर और वहाँ जाके क्या करते हैं, ये एग लेइंग का काम करती है फीमेल जो होती है। और एग लेइंग करने के बाद ये जो एग्स हैं इनसे फिर वापस ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। अगर स्टेज की बात करें, फर्स्ट है एग। एग में मैंने आपको बता दिया नेपच्युअल फ्लाइट होती है, उसके बाद इनका निर्माण होता है एग्स का। एग क्या है, लाइट येलो कलर के, किडनी शेप के, यानी अपना जो गुर्दा जो होता है उस शेप के होते हैं एग्स। लगभग हाफ एमएम के आसपास साइज होता है इनका, और 20 to 90 days इनका क्या होता है, लाइफ पीरियड होता है, यानी कि 20 to 9 days। ये इतना जो वेरिएशन है ये डिपेंड करता है जो मौसम है, जो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे क्या है, डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट इनके सूटेबल है तो क्या होता है, बहुत जल्दी इनसे निम्फ बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो 3 महीने तक का टाइम लग जाता है, 90 days तक का। फिर है सेकेंड निम्फ। एग से निम्फ बनते हैं। निम्फ क्या है, वाइटिश येलो कलर के होते हैं, 1 mm के लगभग साइज होता है, और 4 to 10 मोल्टिंग होती है इनके अंदर, 4 to 10 मोल्टिंग्स होती है, जिससे क्या है, धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता रहता है और ये एडल्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं। लगभग 6 to 13 months का समय लगता है, इसके बाद क्या है, ये जो निम्फ है ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट जो है, एडल्ट बनने के बाद उसके बाद क्या होता है, इनकी जो कास्ट है वो डिवाइडेड हो जाती है, वर्कर्स होते हैं कुछ, कुछ सोल्जर्स होते हैं। प्लस इसके बाद एडल्ट बनने के 1 to 2 months बाद, आफ्टर कॉपुलेशन का मतलब क्या है कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है उसके 1 to 2 months बाद क्या है, ये वापस एग लेइंग का काम स्टार्ट कर देते हैं।
अब बात करें तो एडल्ट के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, इनकी दो प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है इसके अंदर एग्स में, सॉरी एडल्ट में। एडल्ट में फर्स्ट जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मान लो किसी कॉलोनी में एमरजेंसी कंडीशन में ऐसा हो गया कि जो क्वीन है उसकी डेथ हो गई हो, क्वीन की डेथ हो गई हो या किसी अदर रीजन की वजह से वो एग लेइंग नहीं कर पा रही है, यानी कि ये एग लेइंग नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स होते हैं, ये भी मेल फीमेल होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो फॉर्म होती है ये क्या करती है, इनकी जो कॉलोनी होती है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, यानी कि ये एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर सेकंड जो होती है वो होती है कॉलोनाइजिंग फॉर्म, जो कि एक्चुअल फॉर्म होती है, जो रियल में जो किंग और क्वीन जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉलोनाइजिंग फॉर्म। ये क्या करते हैं, कॉलोनी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर ये फॉर्म नहीं है उस कंडीशन में क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है इनके द्वारा एग लेइंग का काम किया जाता है। फिर अब बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की अगर बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले अगर बात करें जो जनरल ध्यान रखने वाली चीज़ें वो क्या है, जैसे इनका जो अटैक, अगर आपको डैमेज समझ में आ गया कि इनका डैमेज कैसे है, कि किस किस चीज़ पे ये ज़्यादा अटैक करती है, तो अपनी इसका आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग, तो जो FYM है, FYM मैंने आपको बताया था फार्म यार्ड मैन्योर, जो गोबर की खाद होती है उसको खेत में डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से पकी हुई होनी चाहिए। कच्ची गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें 90% चांस रहते हैं इसका अटैक होने पे। अगर गोबर की खाद पूरी पकी हुई है तो उसके अंदर इसका अटैक नहीं होता है। सेकंड बात करें इरिगेशन, सेकंड है इरिगेशन। अगर किसी फील्ड में दीमक के अटैक होने के चांस हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस फील्ड की बार बार इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन करने से क्या होगा कि प्रॉपर नमी बनी रहेगी। ऐसी कंडीशन में क्या है, इनके द्वारा जो मड मोल्ड्स बनाए जाते हैं, इनके जो घर बनाए जाते हैं वो नहीं बन पाते प्रॉपर कंडीशन में, और इनका अटैक जो है वो नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद कुछ मैकेनिकल कंट्रोल भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं दिखाई दे सोइल के अंदर कि इस जगह पे दीमक का घर है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस जगह पे लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक नीचे गहरी जुताई करते हैं उस जगह को खोद के, और वहाँ से इसकी क्वीन जो होती है क्वीन को किल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो कॉलोनी है ये आगे नहीं बढ़ पाती और इसका मैनेजमेंट हो जाता है। प्लस जो ग्रीष्मकालीन होती है, समर काल में क्या करते हैं, डीप्लोइंग करते हैं। डीप्लोइंग करने से क्या होगा, इनके द्वारा जो एग्स दिए गए हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे सन के, अगर टच में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनसे निम्फ नहीं बन पाते हैं। फिर बात करें इनके मैनेजमेंट के, अदर जो केमिकल मैनेजमेंट है, तो उसमें सबसे पहले है सोइल इनोकुलेशन। ये जो आपको केमिकल्स दिए गए हैं इनको क्या करते हैं, इनकी एक फिक्स जो क्वांटिटी है उनको सोइल के अंदर इनोकुलेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका कंट्रोल किया जा सके। फर्स्ट है गामा BHC, 1.3% डस्ट आती है। इस डस्ट को 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर सोइल के अंदर इनोकुलेट मिक्स किया जाए तो इससे दीमक को कंट्रोल किया जा सकता है। प्लस हेप्टाक्लोर 5%, ये भी डस्ट आती है, इसको सोइल के अंदर मिक्स किया जाता है, क्वांटिटी इसकी भी सेम है। फिर अगर क्रॉपिंग कंडीशन में, यानी कि खड़ी फसल में अगर दीमक का अटैक हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, गामा BHC का जो लिक्विड फॉर्म आता है, इमल्सीफाइड कंसंट्रेशन आता है 20 EC, इसको 3.75 लीटर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है, लगभग 500 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करके पूरे हेक्टेयर में इसका छिड़काव किया जाता है खड़ी फसल पे। फिर इसके अलावा हेप्टाक्लोर 20 EC और क्लोरोफायरीपोस 20 EC, इनका भी क्या है, फील्ड कंडीशन में, यानी कि खड़ी फसल में अगर आपका अटैक हो रखा है दीमक का, तो उस कंडीशन में इनका छिड़काव किया जाता है। और प्लस जो क्लोरोफायरीपोस है, इससे क्या है, क्लोरोफायरीपोस से आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। बुआई से पहले क्लोरोफायरीपोस से अगर सीड ट्रीटमेंट करके बीज को बोया जाता है, तो उससे भी दीमक का कंट्रोल हो जाता है या उसका अटैक नहीं हो पाता है। ओके,
थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो भी पेस्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे।